इस समय मैं मौजूद हूं यूपी के जिला खीरी के कस्बा खीरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इस समय कस्बा खीरी में आई फ्लू यानी आंखों के संक्रमण से यह कस्बा जूझ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा का खामोश रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। यहाँ डॉक्टर कब आते हैं कब चले जाते ये बताना मुश्किल है। अगर आई फ्लू से यानी आंखों के संक्रमण से पीड़ित बच्चा बूढ़ा जवान यहाँ डॉक्टर को दिखाने भी आए तो उन्हें वापस ही लौटना पड़ता है। दोस्तों, इस समय कस्बा खीरी के लगभग 70,000 वाले इस कस्बे में आई फ्लू अपनी पकड़ धीरे धीरे तेज करता नजर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम कस्बे में नजर नहीं आ रही। हमारे चैनल नवाज ग्राफी के माध्यम से अभी आप देखेंगे कस्बा खीरी में जो आई फ्लू यानी आंखों के संक्रमण इस समय तेजी से पैर पसार रहा है उसके ऊपर नवाज रिजवी की एक खास रिपोर्ट। बेटा क्या मामला है, चश्मा वगैरह लगाए हुए हैं? मेरी आंखों में दर्द है। चश्मा उतारिए अपना। बहुत तकलीफ होती है स्कूल जाने में। अच्छा, स्कूल में स्कूल जा रहे हो तो छुट्टी वगैरह नहीं ली स्कूल से जब आंखों में दर्द है? स्कूल में छुट्टी नहीं देते। बेटा कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, आँखों में दर्द वगैरह रहती है? आँखों में दर्द होती है, पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी है। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम तुम्हारे दरवाजे पर आई, दिखाया उसको? नहीं। टीम आई कि नहीं आई? नहीं है। एक हफ्ते लेके अपनी आँखों को बड़े परेशान। पर यूपी के लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी से जहाँ आँखों के संक्रमण से जूझ रहा कस्बा, लेकिन स्वास्थ्य महकमा खामोश। दोस्तों, इस समय मैं बात कर रहा हूँ लगभग 70,000 वाले ऐतिहासिक कस्बा खीरी की, जहाँ इन दिनों आंखों का संक्रमण या आई फ्लू तेजी के साथ पैर पसार रहा है। ज्यादातर ये आंखों का संक्रमण बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साधे हुए है। स्वास्थ्य महकमे की कोई भी टीम अभी तक कस्बे में नजर नहीं आई है, जबकि आई फ्लू धीरे धीरे बच्चों के साथ बड़ों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। लोग परेशान है कि आखिर इस आई फ्लू से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, लेकिन यहाँ लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। अगर कस्बा खीरी के स्कूलों की भी बात की जाए तो स्कूल के बच्चों में भी आई फ्लू देखा जा सकता है, लेकिन स्कूल प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब आई फ्लू जैसी बीमारी से ये पूरा कस्बा संक्रमित नजर आएगा। आइए ये भी जान लिया जाए कि आई फ्लू एक दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो आपको बता दें, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आई फ्लू बेहद आसानी से फैल जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से आई फ्लू फैलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूने से आई फ्लू फैलता है। आपको बता दें कि एक इन्फेक्शन संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले तरल पदार्थ यानी पानी के संपर्क में आने से फैलता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले पानी को छू लेते हैं, फिर अपने हाथों को मुंह या नाक पर लगाते हैं, तो इससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, कस्बा खीरी में इस समय आई फ्लू यानी आंखों का संक्रमण अपने पैर तेजी से पसार रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का खामोश रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें देना न भूलें।